दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले, यदि आप जो व्हाट्सएप पे कोई भी जैसे फोटो खींच करके भेजते हो तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे आप जो क्लिक कर देते हो, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट या फिर पेपर होता है, कागजात होता है, उसको आप इस तरीके से क्लिक कर देते हो। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको क्रॉप वगैरह करना हो तो आप जो है इसको क्रॉप कर देते हो। क्रॉप करने के बाद डन बटन पे क्लिक कर देते हो और इसको जो फाइनली आप जो है सेंड कर दो। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो क्वालिटी होता है पिक्चर का वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं आ पाता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं व्हाट्सएप का, जिसके मदद से आप जो है ये जो फोटो का क्वालिटी आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल जो है आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका फ़ोटो जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना और फाइनली जो है सेंड बटन के ऊपर में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। तो ये ऑप्शन आप अपने व्हाट्सएप में कैसे यूज कर पाओगे, इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो इस स्टेप को बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको अपना जो व्हाट्सएप को ओपन कर लेना। व्हाट्सएप ओपन करने के चाहे आपके मोबाइल फ़ोन में पहले से फ़ोटो मौजूद हो तो आपको अटैचमेंट के ऊपर में क्लिक कर देना और यहाँ पे या तो आप जो डायरेक्ट खींचना चाहते हो तो कैमरे के ऊपर में क्लिक करना है। ये दोनों कंडीशन में वर्क कर। अब यहाँ पे सिंपली जो आपको यहाँ पे कैमरे के ऊपर में क्लिक कर देना है, जैसे कि आपका फ़ोटो है तो यहाँ पे फ़ोटो को आप खींच लेते हो। खींचने के बाद यदि क्रॉप वगैरह कुछ करना होता है तो करते हो, अदरवाइज आप इसको सेंड कर देते हो। तो आप इसका क्वालिटी देख रहे हो। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन बताने वाले, जिसके मदद से आप जो बिल्कुल सही तरीके से पूरा क्लियर फ़ोटो को खींच सकते हो। यहाँ पे फाइनली फ़ोटो खींच लिए, क्रॉप वगैरह जो भी आपको करना है कर लेना। डन बटन पे जैसे डन बटन पे क्लिक कर देते हो, अब आपको यहाँ पे फ़ोटो के ऊपर में जो है कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर जो प्रेस करना है, स्वाइप अप करना है। जैसे आप यहाँ पे स्वाइप अप करोगे ना, आपके सामने में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे में, ये सारा शो कर जाएगा। अब यहाँ पे बारी बारी से इसके ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पेज का यहाँ पे इंटरफेस चेंज हो जाएगा। इसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसके ऊपर में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो बैक आ जाना है, बस यही इफेक्ट आपके इस फोटो में अप्लाई हो जाएगा। फाइनली आप जो है यहाँ पे सेंड बटन के ऊपर में क्लिक करके इस फोटो को आप सेंड कर सकते हो। तो इस दोनों फोटो में आपको जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर नज़र में आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो ट्रिक है आपको भी समझ में आया होगा और साथ ही साथ आपके मोबाइल फ़ोन में भी वर्क कर रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।